नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात करेंगे, एलएनटी की बात करेंगे। दोस्तों 52 वीक हाई बना लिया, 2049 रुपये का बना लिया दोस्तों, 2050 तक पहुंच गया ये, और स्टॉक प्राइस है 2044-2040। तीसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, तो लार्सन एंड टुब्रो के जो नतीजे आ रहे हैं दोस्तों 28 जनवरी 2022 को आ रहे हैं, और ये नतीजे किस तरह के रह सकते हैं ब्रोकरेज हाउसेज का अनुमान देख लेते हैं। एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करते हैं, फंडामेंटली की बात करते हैं। तो देखिए, इसका जो मार्केट कैप है 2,87,261 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 623 का है, और EPS अर्निंग पर शेयर 62 का है। दोस्तों ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 3,40,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, आने वाले समय में और ऑर्डर्स मिलेंगे। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, किसी भी निवेशक ने अपने पोर्टफोलियो में अगर L&T को रखा है तो 3 साल का रिटर्न 53% का है इस वक्त, और 1 साल का रिटर्न है 48% का, साथ में डिविडेंड भी है दोस्तों, और 3 महीने का रिटर्न है 14% का। तो रिटर्न पिछले 1 साल और 3 साल के अनुसार देखते हैं तो अच्छा आया है निवेशकों के लिए, और स्टॉक देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ब्रोकरेज हाउसेज का तीसरी तिमाही के लिए क्या अनुमान है उसको देख लेते हैं, और रिजल्ट से पहले स्टॉक में हलचल बनी रहेगी दोस्तों। स्टॉक देखिए 2000 के ऊपर पहुंच गया है तो और तेजी की संभावना रहेगी, Q3 के रिजल्ट में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है तो और तेज होता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेज का अनुमान देख लेते हैं, फिर शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। ब्रोकरेज हाउसेज ICICI डायरेक्ट का तीसरी तिमाही के लिए जो अनुमान है L&T के लिए, लार्सन एंड टुब्रो के लिए, देखिए जो नेट प्रॉफिट रह सकता है L&T का 1,803 करोड़ का रह सकता है, 5.8% ईयर ऑन ईयर अप रह सकता है ये, और 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट 1,803 करोड़ का रह सकता है तीसरी तिमाही में, Q3 में लार्सन एंड टुब्रो का, ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। और नेट सेल्स की बात करते हैं तो देखिए नेट सेल्स का जो अनुमान है ब्रोकरेज हाउस का 10% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अप रह सकता है, और 26.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है दोस्तों, और नेट सेल्स रह सकता है 21,588 करोड़ का नेट सेल्स रह सकता है। EBITDA की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर 10.6% का अप रह सकता है, राइज हो सकता है, और 47% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है 117 करोड़ का दोस्तों। तो तीसरी तिमाही का जो अनुमान है लार्सन एंड टुब्रो का, सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 26.5% अप रह सकता है, और सालाना जो है 10% अप रह सकता है, और 21,588 करोड़ का नेट सेल्स रह सकता है दोस्तों। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट 1,803 करोड़ का रह सकता है, 5.8% का सालाना, और क्वार्टरली देखते हैं तो 2.5% अप रह सकता है दोस्तों। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है लार्सन एंड टुब्रो का जो तीसरी तिमाही का रिजल्ट आएगा। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, 2044 के आसपास कारोबार कर रहा है, और जो हाई बनाया है 2049 बनाया है, 2049 का हाई बनाया है, और स्टॉक देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में ही है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ये 1735 में था ये 29/11/2021 को नवंबर के लास्ट में, और दिसंबर के स्टार्टिंग में ये 1750 के आसपास था, 1735 शेयर प्राइस था, उसके बाद देखिए लगातार ऊपर की तरफ गया। अगर स्टॉक में करेक्शन भी हो रहा है तो स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ ही गया है दोस्तों। तो 2000 के ऊपर निकल गया है L&T का स्टॉक, तो जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो 2000 का एक तरह से स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर 2000 के नीचे फिसलता तब इसमें कमजोरी आती हुई दिख सकती है, लगभग 1950 से 1940 तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो 2000 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहना चाहिए, किसी भी स्टॉक में अगर तेजी आती है तो स्टॉक और ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों। अब यहाँ से ये जैसे कि 2044 में है, ये मान के चलिए ये 2200 से 2300 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है, अगर उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है तीसरी तिमाही का तो अच्छा खासा एक तेज हो सकता है। कहने का मीन्स ये कि स्टॉक को अभी भी होल्ड करना चाहिए, और ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है जो ट्रेड कर रहे हैं 1-2% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है 2100 के आसपास, क्योंकि RSI देखिए एक तरह से ये ओवरबॉट के आसपास पहुंच गया है, 71 तक पहुंच गया दोस्तों, ये डेली में है 71-73 तक पहुंच गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो 2000 के लेवल को ध्यान में रखिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जिन्होंने निवेश किया है तो 2000 के ऊपर तक तो पहुँच गया, और
अगले एक दो महीने में स्टॉक हमें 2200 2300 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो रिजल्ट से पहले स्टॉक में तेजी है और ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान था उसका अपडेट था दोस्तों, और टेक्निकल चार्ट के अनुसार लेवल्स थे। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।